वेलकम गाइस। तो इस वीडियो में हम सीवरेज सिस्टम को स्टडी करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियोस में वाटर सप्लाई सिस्टम स्टडी किया था और ये दोनों ही इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के पार्ट हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक डेफिनेशन से। तो आर फर्स्ट डेफिनेशन इज़ फॉर रिफ्यूज़। तो रिफ्यूज़ जो है हमारे, दे आर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फॉर्म में। एंड गार्बेज जो है वो सिर्फ ऑर्गेनिक वेस्ट जो है सॉलिड लिक्विड फॉर्म में, उसे हम गार्बेज बोलेंगे। वेयर एज रबिश ड्राई वेस्ट लाइक पेपर रैग्स एंड जो सीवेज है इट इज़ एंड जो सीवेज जो है हमारा वो डोमेस्टिक या इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको हम सीवेज बोलते हैं। इसमें 99.9% वाटर होता है एंड 0.01% सॉलिड्स होता है इन बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म। एंड द लास्ट वन इज सलेज। तो जो वेस्ट वाटर है हमारा, जो बाथरूम एंड वॉश बेसिन्स या किचन से आते हैं, वी कॉल इट एज सैलेज। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है बिटवीन सीवेज, सीवर एंड सीवरेज। तो पहले इन तीनों को भी समझते हैं कि इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। देखिए, सीवेज तो अभी हमने डिस्कस किया कि इट इज़ लिक्विड वेस्ट। जो सीवर है हमारा वो जो पाइप्स जो हम ले करते हैं टू कैरी एंड डिस्पोज सीवेज, जो लिक्विड वेस्ट है, दे आर कॉल्ड एज सीवर। एंड जो कम्प्लीट सिस्टम है दैट इज़ कलेक्टिंग, ट्रांसफरिंग और कैरिंग दी सीवेज एंड डिस्पोजिंग दैम इन टू रिवर, ये जो कम्प्लीट प्रोसेस है इट कम्स अंडर दी सीवेज सिस्टम। तो जो हमारा सीवेज सिस्टम है इसके तीन टाइप होते हैं। फर्स्ट इज सेपरेट सिस्टम, सेकेंड इज़ द कम्बाइंड सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ द पार्शली सेपरेट सिस्टम। तो हमारा जो सेपरेट सिस्टम होता है, इसमें क्या करते हैं हम कि जो हमारा सैनिटरी सीवेज है एंड जो स्टॉर्म वाटर है उनको अलग कलेक्ट करते हैं एंड डिस्पोज भी सेपरेटली ही करते हैं, अलग सीवर लाइंस डालते हैं दोनों के लिए। फिर जो कम्बाइंड सिस्टम है इसमें जो सीवेज है और स्टॉर्म वाटर है इसको एक ही सिस्टम में हम लोग कलेक्ट करते हैं और डिस्पोज करते हैं। एंड पार्शली सेपरेट में जो है ये मेजरली डिज़ाइन होता है सीवेज के लिए, बट इसमें कुछ पार्ट ऑफ स्टॉर्म वाटर को अकोमोडेट कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ सीवेज डिस्चार्ज। तो देखिए, हमने पढ़ा था कि एक वाटर डिमांड होती है, एक डेली वाटर डिमांड होती है। इसमें से जो 75-80% होता है वो हमारा सीवेज के फॉर्म में ही कलेक्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे। लाइक इन वाटर सप्लाई सिस्टम, इसमें भी वेरिएशन होता है फ्लो के। जैसे इसमें मैक्सिमम डेली फ्लो जो है वो 2 times ऑफ द एवरेज डेली फ्लो होता है एंड जो मैक्सिमम हार्डली फ्लो है इट इज़ 3 times ऑफ द एवरेज डेली फ्लो। अब जो वाटर सप्लाई सिस्टम था उसमें हमारा मैक्सिमम डेली डिमांड के लिए डिज़ाइन होता था, बट यहाँ पे जो है वो मैक्सिमम के साथ साथ मिनिमम के लिए भी, मिनिमम फ्लो जो है उसको भी कंसिडर करना पड़ता है। उसको हमें इसलिए कंसिडर करना पड़ता है कि हम जो सीवेज सिस्टम है उसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो मिनिमम फ्लो, जब उसका मिनिमम फ्लो हो, उस मिनिमम फ्लो पे जो मिनिमम वेलोसिटी हो उस पॉइंट पे भी जो पार्टिकल्स हैं सीवेज में वो सेटल डाउन नहीं करने चाहिए, क्योंकि अगर वो सेटल डाउन करेंगे तो दे विल बी सिल्टिंग, जिसकी वजह से हमारा मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड इसको अवॉइड करने के लिए हम मिनिमम फ्लो एंड मिनिमम फ्लो वेलोसिटी द और ऑल्सो कॉल्ड एज दी सेल्फ क्लींजिंग वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए डिज़ाइन करते हैं। इसके बाद वील लुक इन टू द डिज़ाइन ऑफ सीवर्स। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि 80% ऑफ द वाटर सप्लाइड एंटर्स इन टू द सीवर, एंड जो हमारे सीवर हैं उसको हम कभी फुल डेप्थ पर रन नहीं कराते हैं, क्योंकि सीवेज में से कुछ गैसेज रिलीज होती हैं एज वेल एज़ जो हमारा डेली डिस्चार्ज है उस पर हम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके चलते हैं कि मान लीजिए किसी दिन डेली डिस्चार्ज है उससे ज़्यादा फ्लो हो गया तो जो हमारे सीवर लाइन है वो उसको एकोमोडेट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हुए चलते हैं, इसकी वजह से हम फुल डेप्थ पर रन नहीं कराते हैं सीवेज को सीवर लाइन्स में। अब अगर जो हमारी सीवर है उसकी जो डाया है, इफ़ इट इज़ लेस देन 400 तो उसको हाफ फुल पे रन कराएंगे, एंड इफ़ इट इज़ बिटवीन 400 to 900 तो उसको 2/3 फुल पे रन कराया जाएगा। एंड अगर ये 900 से भी ज़्यादा, 900 mm से ज़्यादा डाया का है पाइप हमारा, तो वील रन इट एट 3/4 फुल, थोड़ी
थोड़ी देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि ये मैक्सिमम आर्ली डिस्चार्ज पर डिपेंड करता है जो सीवर का डिज़ाइन है, एज वेल एज मिनिमम आर्ली डिस्चार्ज पे भी, क्योंकि इसमें सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है। अब जब हम ये सीवर डिज़ाइन करेंगे तो इसमें कुछ हाइड्रोलिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं फ्लो के, उनको कंसिडर करते हुए डिज़ाइन करेंगे, लाइक द डेप्थ ऑफ फ्लो, एरिया ऑफ फ्लो, पैरामीटर ऑफ फ्लो, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ ऑफ फ्लो, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एंड द रेट ऑफ फ्लो। तो इनके कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, आप उसको स्टडी कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूलेज होते हैं। एंड जो व्यापम में क्वेश्चन बन सकता है वो हाफ फुल के लिए क्वेश्चन आने के चांस है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट फार्मूला मिल जाता है हमें, आपको बस वैल्यूज पुट करनी है एंड आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहेंगे। हाफ फुल डेप पे आप जो फॉर्मूले हैं वो पढ़ लीजिएगा, मिड इजी हैंडबुक में आपको मिल जाएंगे। देन जो हमारा सीवर है, दैट इज़ द पाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट इज़ बेस्ड ऑन दी शेप। तो शेप के बेसिस पे या तो सर्कुलर में सर्कुलर टाइप होता है या एग शेप्ड होता है। सर्कुलर जो होता है वो हमारा सेपरेट सिस्टम में यूज़ करते हैं, वेयर एज जो एग शेप्ड है वो कम्बाइंड सिस्टम में यूज़ करते हैं। इसके बाद मटेरियल के बेसिस पे भी क्लासीफाई किया जाता है, दैट इज़ कि एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप यूज़ कर रहे हैं या आरसीसी पाइप यूज़ कर रहे हैं या फिर ब्रिक सीवर लाइन यूज़ करेंगे। और द लास्ट वन इज़ कास्ट आयरन। तो कास्ट आयरन जो है इसका हम कम यूज़ करते हैं, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि गैसेस रिलीज़ होती हैं सीवेज से, एज़ वेल एज़ कुछ केमिकल रिएक्शंस अकर करते हैं, तो दे कैन बी वेरी हार्मफुल टू कास्ट आयरन। इसकी वजह से हम इसको अवॉइड करते हैं, मोस्टली हम एस्बेस्टोस सीमेंट पाइप या आरसीसी पाइप्स का यूज़ करते हैं। अब जो है हमारा सीवेज, उसके फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लाइक जैसा हमारा वाटर में था, तो सीवेज में भी फिज़िकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो उसके फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक टर्बिडिटी, कलर, ओडोर एंड टेम्परेचर, दे आर सेम एज वाटर। आई मीन जो इनके वैल्यूज़ हैं वो तो ऑब्वियसली डिफर करेंगी, बट जो डेफिनेशंस हैं वो आपको पता ही है, टर्बिडिटी, कलर, ओडोर एंड टेम्परेचर, किस तरीके से इन पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। लाइक जो कलर है, अगर येलोइश ग्रे या लाइट ब्राउन कलर का है तो उससे हमें पता चलता है कि जो हमारा सीवेज है वो अभी फ्रेश है, एंड अगर वो डार्क कलर का होता है लाइक द डार्क ब्राउन और ब्लैक, तो समझ सकते हैं कि इट इज़ ओल्ड सीवेज, उसको कलेक्ट हुए टाइम हो चुका है। एंड जो टेम्परेचर है वो भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारा बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ एंड जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस है सीवेज में, उसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है। तो ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी। इसके बाद जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ अगर देखें या केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, तो फर्स्ट वन इज़ द टोटल सॉलिड। जैसा कि वी हैव डिस्कस की सीवेज इज़ 99.9% ऑफ वाटर एंड 0.01% ऑफ सॉलिड। तो इस 0.01% ऑफ सॉलिड में इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों टाइप के होते हैं। ऑर्गेनिक इज़ 45% एंड इनऑर्गेनिक इज़ 55%। अब ये जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक जो सॉलिड्स हैं, ये सस्पेंडेड फॉर्म में हो सकते हैं या कोलाइडल फॉर्म में हो सकते हैं या डिसॉल्व फॉर्म में हो सकते हैं। तो जनरली सस्पेंडेड और कोलाइडल फॉर्म में जो ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सॉलिड्स हैं वो 25% रहता है, वेयर एज डिसॉल्व 50% अबाउट रहता है। नाउ उसके बाद जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इज डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, इट शुड बी एटलीस्ट 4 ppm जब हम इसको डिस्चार्ज कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हेन वी आर डिस्चार्जिंग सीवेज इनटू द रिवर, देर शुड बी एटलीस्ट 4 ppm ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्योंकि अगर इससे कम होता है तो हमारी एक्वेटिक लाइफ को इट कैन बी वेरी हार्मफुल, एंड ऑल्सो इट टेल्स अस अबाउट द एक्सटेंट ऑफ पॉल्यूशन। नाउ जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं हमेशा सीवेज में, इट इज़ द ऑक्सीजन डिमांड। तो ऑक्सीजन डिमांड बेसिकली चार टाइप की होती है। फर्स्ट इज़ द केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, सेकेंड इज़ थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, थर्ड इज़ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन, एंड द फोर्थ वन इज़ BOD, दैट इज़ द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो एक एक करके इनको समझते हैं। पहले देखते हैं केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड क्या है हमारी, मान लीजिए
हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इट इज़ इन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल फॉर्म, तो इनको डिकम्पोज होने के लिए जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वी कॉल इट एज केमिकल डिमांड। मैं एक बार रिपीट करता हूँ इसको, दैट इज़ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ बोथ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ये है हमारा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसको डिटरमाइन करने के लिए वी ऐड पोटेशियम डाइक्रोमेट, और इसको ऐड करने के बाद पोटेशियम डाइक्रोमेट को ऐड करने के बाद हम जो ऑक्सीजन कंज्यूम्ड है डिजॉल्व ऑक्सीजन में जो चेंज आया उसको हम नोट डाउन कर लेंगे। इससे हमें पता चल जाता है कि क्या डिमांड है बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की डिकम्पोजिशन के लिए। अब जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है हमने क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। नाउ द नेक्स्ट वन इज थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो इसमें क्या है, हम थियोरेटिकली फाइंड आउट करते हैं कि कितना ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। नाउ द थर्ड वन इज़ टोटल ऑर्गेनिक कार्बन। तो ये बेसिकली इट इज़ अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग टोटल ऑर्गेनिक मैटर इन टर्म्स ऑफ कार्बन कंटेंट। मतलब जितना भी हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको हम कार्बन कंटेंट के टर्म्स में उसका अमाउंट शो कर देंगे, तो इट विल गिव अस कि इफ़ देर इज दिस मच अमाउंट ऑफ कार्बन कंटेंट तो इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होगा। नाउ दी नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज़ BOD। तो BOD क्या है? देखिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर के लिए जो डिकम्पोजिशन होने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था उसको भी कॉल एज केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बट BOD जो है उसमें जो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है जो कि एरोबिक कंडीशन में बायोलॉजिकली डिकम्पोज हो उसके लिए जितना हमारा ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है वी कॉल इट एज BOD। इन अ सिंपल वे, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन ऑफ बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर अंडर एरोबिक कंडीशन, इसको हम BOD बोलते हैं। अब जो BOD है, जो स्टैंडर्ड BOD है, इट इज़ रिपोर्टेड एट 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज पीरियड, एंड ये अबाउट 68% होता है टोटल डिमांड का। तो BOD डिटरमाइन करने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं। इस टेस्ट में हम एक सैंपल लेंगे सीवेज का, उसको डाइल्यूट करेंगे एंड उसकी जो इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको मेजर कर लेंगे। देयर आफ्टर वी इंक्यूबेट दी सैंपल फॉर 5 डेज एट 20 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद 5 डेज के बाद हम इसकी जो फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन है सैंपल का उसको मेजर कर लेंगे, और BOD जो होता है हमारा वो होता है इनिशियल डिजॉल्व ऑक्सीजन माइनस फाइनल डिजॉल्व ऑक्सीजन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर। इससे हमें BOD मिल जाएगा एट 5 डेज। अब ये जो डाइल्यूशन फैक्टर है, क्वेश्चंस में हमें दिया होगा कि 2% डाइल्यूशन किया गया है, तो 2% डाइल्यूशन अगर दिया है तो डाइल्यूशन फैक्टर हो जाएगा 100/2। सो ये ध्यान रखना, आप 2/100 कर देंगे तो आपका आंसर गलत आएगा। तो डाइल्यूशन फैक्टर मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से पुट करना है क्वेश्चन आने पे। एंड इसके बाद जो हमारा ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। सो गाइस, प्लीज़ हिट द लाइक बटन इफ़ यू लाइक द वीडियो, एंड ऑल्सो कमेंट डाउन दी चेंजेस आई नीड टू मेक टू इम्प्रूव द चैनल। सो टिल देन गाइस, कंटिन्यू लर्निंग एंड गुड लक।